आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पेशाब रुक रुक कर आता है, यानी मूत्र कष्ट है और पेशाब में पीप आती है। जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो पीप आने लग जाती है और पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आती है और पेशाब करते समय बहुत ही कष्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा जब ये रोग बढ़ जाता है तो ये हो जाता है सुजाक रोग, गोनोरिया भी कहा जाता है इसको, गोनोरिया। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताती हूँ ये छोटा सा उपाय क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ये कहूँगी कि आप वीडियो को स्किप ना करें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें, इसको आपसे नुकसान हो सकता है। तो मेरे हाथ में ये है फिटकरी। फिटकरी आपको लेनी है 25 ग्राम। और फिटकरी कौन सी लेनी है आपको? देसी फिटकरी लेनी है, जो फिटकरी पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ होती है। शेविंग के लिए जो फिटकरी होती है वो फिटकरी नहीं लेनी है। ध्यान से आप समझिएगा इस बात को, क्योंकि जो उपाय है बहुत छोटा सा है, पर इसमें अगर आप छोटी सी भी गलती कर दोगे ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिटकरी ध्यान से सोच समझकर आपने ओरिजिनल फिटकरी लेनी है, शेविंग वाली फिटकरी नहीं लेनी है। मैं बातों को रिपीट करती हूँ ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे। तो उसकी शिकायत भी आप लोग करते हो कि बातों को रिपीट करते हो, पर इसीलिए करती हूँ बातों को रिपीट ताकि आप ध्यान से उसको सुन सकें और ध्यान से उसको समझ सकें। मैं इतनी छोटी वीडियो डालती हूँ, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़रूर ये रोग होगा, तो तभी तो आप देख रहे हो। तो क्या आपके पास 3-4 मिनट भी नहीं है अपने रोग को ठीक करने के लिए? तो अब ये 250 ml मैंने पानी लिया है पीने वाला। कितना लेना है? 250 ml। अब जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से पानी के अंदर पूरी फिटकरी, 25 ग्राम की पूरी फिटकरी को आपने पानी के अंदर डुबोकर 9-10 बार पानी में हिलाना है। जैसे मैंने अभी हिलाया था पानी में, इसी तरह से आपने पानी में कम से कम 9-10 बार आपने इसको हिलाना है। एक बार फिर दिखा रही हूँ, 9 बार मैंने पानी में इस तरह से घुमाया है। फिटकरी पूरी पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और अब इस पानी को आपने एक बार पीना है दिन में। कईयों को तो, जिनको पेशाब रुका हुआ होता है, उनको एक दिन में ही आराम आ जाता है, और जिनका बहुत पुराना रोग हो जाता है, जैसे मैंने बताया सुजाक रोग हो जाता है, तो उनको कम से कम 7 दिन इस पानी को, इस उपाय को आपने करना है। 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। तो आपको इस उपाय से जो रोग है, जिस रोग का मैंने ये उपाय बताया है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जिनको पथरी की समस्या होती है ना, मूत्राशय में पथरी होती है, तो उनको भी इससे बहुत आराम आता है, क्योंकि जिनको पथरी है तो पथरी की वजह से जो पेशाब है वो रुक रुक कर आता है, तो इससे भी उनको बहुत आराम आएगा। तो इस उपाय को आप कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।